आमले रेठे सीखा कई। जब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आपके बालों में यूज किए जाते हैं उसके बाद ना तो आपके बालों पे हेयर फॉल रहता है, ना तो आपके बालों में डैंड्रफ होती है, ना उसके बाद जुएं पड़ती हैं, ना बाल सफ़ेद होते हैं, बल्कि आपके बाल काले, लंबे, घने और मजबूत होते हैं। अगर हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के फ़ायदे पे बात करेंगे ना तो ये सारा इंट्रोडक्शन फ़ायदे में गुजर जाएगा, इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। Assalamualaikum everyone, this is me Shozab Saleha, welcome back to my YouTube channel with another beauty tip। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना तो मत भूलें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिलती रहे। अच्छा जी, सब लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके बाल क्या नेचुरली स्ट्रेट हैं या कि आप स्ट्रेट करती हैं और आप कौन सा शैम्पू यूज़ करती हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं बालों को स्ट्रेट नहीं करती और मेरा जो शैम्पू सीक्रेट है वो भी आज मैं आपसे शेयर करूंगी। आमले रेठे सीका कई से मैं जो शैम्पू प्रिपेयर करती हूँ और वही यूज़ करती हूँ, उससे मेरे ये नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और स्मूथ लुक आती है। अच्छा, पहले ज़माने में कोई भी शैम्पू नहीं होता था, तो आमले रेठे सीका कई के यूज़ करके ही शैम्पू बनाया जाता था, जो कि आपके बालों के लिए 100% रिजल्ट देता है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप वो लगाएं, आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। उसके अलावा आपके हेयर फॉल रुकेगा, उसके अलावा आपके बालों की ग्रोथ होगी, आपके बाल घने, काले और स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके रूट से बाल स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आपको कोई शैम्पू सूट भी करता है मार्केट का, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ये आमले रेठे सीका कई से थोड़ी सी मेहनत करके शैम्पू बना के यूज़ करना शुरू हो जाएंगे, आपको 1 month के अंदर ही इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी मैंने ये शैम्पू से अपने बाल वॉश करके ड्राई करके वीडियो आपके सामने आ गई हूँ बनाने, और आप लोग देख सकते हैं कितनी शाइन और स्मूथनेस है कि बाल इतने सिल्की हुए हैं। और मैंने उसी से वॉश किया है, कंडीशनर तक भी नहीं अप्लाई किया मैंने, कोई भी कंडीशनर नहीं अप्लाई किया, सिर्फ उस शैम्पू से मैंने बाल वॉश किया, इतने सिल्की हो गया मेरे बाल। आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करके यूज करेंगे ना, आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। बस थोड़ी मेहनत है, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं, आप लोग एक दफ़ा बनाएंगे आपको आदत हो जाएगी, और जब आप यूज़ करेंगे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप इसके अलावा कोई शैम्पू नहीं यूज़ करेंगे। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों को आमले रेठे सीका कई चाहिए होगा। जितने शैम्पू की क्वांटिटी आपने बनानी होगी उस हिसाब से आप लोगों ने आमले रेठे सीका कई की क्वांटिटी को ले लेना है। अच्छा, ये है आमले रेठे सीका कई, आप लोगों ने जितना शैम्पू बनाना है उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी ले लेनी है, ठीक है। मैंने 80 ml की बॉटल के हिसाब से इतना ले लिया। ये है आमले, ऑलमोस्ट 8 आमला मैंने लिए हैं। ये ग्रीन कलर के भी होते हैं और इस कलर के भी होते हैं, ये ड्राइड है तो ये कलर हो जाता है, वरना फ्रेश हो तो वो ग्रीन कलर के होते हैं। और ये है सीका कई, इसके भी ऑलमोस्ट 7 to 8 सीका कई मैंने ले लिए हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपको पंसारी की दुकान से ये इजीली मिल जाएंगे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। और वो है रेठे, ये भी आप काउंट कर सकते हैं कितने हैं ऑलमोस्ट, और इसका आप लोग हिसाब लगा लें। 80 ml के हिसाब से मैंने इतना ऐड किया है, तो आपको कितनी रिक्वायरमेंट होगी अगर आपने 200 ml बॉटल बनानी है या 300। अच्छा, तीनों चीज़ों को आपने सोक करने के लिए ओवरनाइट रख देना, ऑलमोस्ट 16 to 17 hours आपने इसको देने हैं, ताकि इसके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में आ जाएं, आप लोगों को इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिल सकें, और ये आपके बालों पे अच्छे तरीके से वर्क कर सकेगी, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने इसको रख देना है, सब में ऑलमोस्ट 1 glass पानी ऐड करके रख देंगे। आप देखेंगे इसका कलर चेंज होगा, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पानी में आ जाए। अब देख सकते हैं ये ओवरनाइट मैंने सोक करने के लिए रखा था, तो उसका कलर कितना चेंज हो गया, सीका कई ने कितना ज़्यादा कलर छोड़ा है, और ये सारे इन्ग्रीडियंट्स का जो कलर है वो पानी में आ गया है। तो फिर उसके बाद आपने यूज़ करना है तो बेनिफिट होगा, ऐसे मत यूज़ करें। इनके कलर आप देख सकते हैं, ऐसे ही आपका कलर आना चाहिए। फिर उसके बाद आपने बॉयल करने के लिए रखना है। आमले रेठे सीका कई को जब अगले दिन पकाना होगा ना, आपने पैन लेना है, तीनों चीज़ों को आपने पैन में ऐड कर देना है, और आपने पानी भी ऐड कर देना है। इसके अलावा आपने 2 glass पानी और ऐड करना है, क्योंकि आप लोगों ने इसको इतना पकाना है कि जितना पानी है उसका हाफ रह जाए, इतना ज़्यादा पकाना है इसके सारे न्यूट्रिएंट्स बीच पानी में आ जाएँ आपके। अब इसको ऑलमोस्ट आपने जब हाफ पैन रह जाएगा आपने चूल्हा बंद कर देना है, उसके बाद आपने इसको छान लेना है, ठीक है। आमले रेठे सीका कई को छान लिया, उसके बाद शैम्पू ऐड करना है। आपके पास जो भी शैम्पू मौजूद है, मतलब जिसमें जो सल्फाइड फ्री शैम्पू होगा वो ऐड करना है, ठीक है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेडीज़ शॉप पीके की तरफ से आर्गन ऑयल शैम्पू।
ये सल्फेट फ्री है, जो सल्फेट फ्री शैम्पू होगा आपने वो ऐड करना है, ठीक है। उसमें बायो आमला आ जाता है, उसमें ये लेडीज शॉप पीके वालों की तरफ से आर्गन ऑयल शैम्पू है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल सल्फेट फ्री है। उसके अलावा इनरिच्ड कैरेटिन है, जो मैंने आप लोगों को पहले कैरेटिन की रेमेडी बताई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्लर वाले स्पेसिफिक कैरेटिन शैम्पू यूज़ करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो उसका मैंने सब्स्टिट्यूट भी आपको बताया था, अल्टरनेट बताया था क्या कर सकते हैं आप लोग उसके लिए भी, वो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पर उसमें भी अगर आप लोग वो प्रोसीजर नहीं करना चाहते, आप सिर्फ डायरेक्ट पॉलर जैसा शैम्पू यूज करना चाहते हैं, तो आप लोग लेडीज शॉप पीके की तरफ से ये इनरिच्ड कैरेटिन शैम्पू भी ऑर्डर कर सकते हैं, और ये सल्फाइड फ्री भी है, आप इस शैम्पू में भी ऐड कर सकते हैं, आप उस कैरेटिन ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, तो आपका एक दफा का मंगवाया हुआ शैम्पू दोनों चीजों में जबरदस्त यूज हो जाएगा। आमले रेटे सिका के क्वांटिटी के हिसाब से आपने शैम्पू ऐड करना है, जितनी आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी शैम्पू भी ऐड करते जाएंगे। मैंने ऑलमोस्ट इसमें 10 स्पून ऐड किए हैं शैम्पू के। लोगों का आमले रेटे सिका के जो शैम्पू रेडी हुआ है, झाग नहीं बनेगी तो इससे परेशान नहीं होना कि शायद ये आप लोगों के बालों को अच्छे वॉश नहीं करेगा, ये बहुत अच्छा वॉश करेगा, ऑयल भी निकालेगा और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा जब आप वॉश करेंगे और यूज़ करेंगे, आप इसके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे फिर। अच्छा जी, शैम्पू अप्लाई करने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह ऑयलिंग किया करें, आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अक्सर लोग डिफरेंट डिफरेंट किस्म के ऑयल यूज़ करते हैं और मिक्स करके अपने बालों पर लगाते हैं ताकि उनके बालों की ग्रोथ अच्छी हो, उनके बालों की नरिशमेंट हो और उनके बालों को कोई इशू ना हो। तो शिज़ा ऑर्गेनिक्स वालों की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑयल हैं, वो आप अपने बालों पे यूज़ कर सकते हैं। मैं वही यूज़ कर रही हूँ, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसमें कैस्टर ऑयल भी है, एलमंड ऑयल भी है, तिलों का तेल भी है, वेजिटेबल ऑयल भी है, बहुत ज़्यादा ऑयल मिक्स हैं, आप लोग ये ऑर्डर कर सकते हैं, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं ये अप्लाई कर रही हूँ अपने बालों पे, अच्छी तरह अपने रूट स्कैल्प पे लगाना है, प्रॉपरली लगा के आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। आप नहाने से 2-3 घंटा पहले भी यूज़ कर सकते हैं, आप ओवरनाइट भी इस ऑयल को रख सकते हैं। अक्सर हम लोग अपनी बालों की ग्रोथ के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट ऑयल यूज़ करते हैं ताकि आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके, तो फ़र्क फ़र्क ऑयल ला के थोड़े थोड़े मिक्स करके बालों पर लगाते हैं, राइट। आप लोग भी करते होंगे ऐसे, मैं भी करती हूँ। लेडीज शॉप पीके की शिज़ा ऑर्गेनिक्स वालों की ऑयल है, वो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, 100 ml की बॉटल, इसमें डिफरेंट ऑयल हैं, आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी करेगा। तो लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह अपने बालों पे अप्लाई कर लिया है, नहाने से पहले 3-4 घंटे पहले मैंने अप्लाई कर लिया है प्रॉपरली अपने रूट्स पे, अपने स्कैल्प पे, तो मेरे बालों को बहुत ज़्यादा शाइन मिलती है, मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। फिर मैं वॉश करती हूँ अपने बालों को, तो पहले हम ऑयल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, 2-3 घंटे बाद आप लोगों ने क्या करना है, शैम्पू अप्लाई, आप लोगों ने जब ये यूज़ करना है ना, तो वो ऑब्वियसली जैसे आप नॉर्मली डेली लाइफ में अपने शैम्पू को यूज़ करते हैं वैसे ही नहाते हुए यूज़ करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने इससे अप्लाई किया। अपने बालों को पहले वेट करना है, ठीक है, आप ऑयल लगे बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने ऑयल लगाया हुआ है, इसी तरह मैंने अपने बालों को वेट करके हल्का, तो इस पर शैम्पू लगाना है अच्छी तरह, इसकी झाग नहीं बनेगी लेकिन ये आप लोगों के बालों की बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा, आपके बालों को शाइन करेगा, ऑयल भी निकालेगा। तो आपने अच्छी तरह अपने बालों पे अप्लाई करना है। अच्छा जी, शैम्पू तो मैं आप लोगों के कैमरा के सामने दिखा रही हूँ, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है अप्लाई करना, आपने नहाते हुए आराम से अपने बालों में अच्छी तरह लगा के धोना है, आपने नॉर्मली क्वांटिटी में लगा लेना। अगर आपके बाल लंबे हैं ना, तो आपका जो 80 ml तक है ना, ये 2-3 times चलेगा, क्योंकि काफ़ी अमाउंट में लग जाता है, ठीक है। आप बड़ी बॉटल बना के एक दफ़ा में ही रख लेंगे ना, तो वो आपकी 1 month चल जाएगी, अगर आप रेगुलर यूज़ करते रहेंगे। नॉर्मली जब भी आप हफ्ते में 3 दफ़ा शावर लेते हैं, या 2 दफ़ा या 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आपने जब जब शैम्पू यूज़ करते हैं, नॉर्मली इसी तरह आप लोगों ने शैम्पू के तौर पर यूज़ करना है। ये शैम्पू ही है, ये ओल्ड टाइम का शैम्पू है, जो कि हमने हाल ही मैंने बालों को वॉश कर लिया है, बालों में कोई टैंगल्स नहीं थे, आराम से मैंने कंघी कर ली है, मेरा इतने अच्छे रिजल्ट हैं ऑयल के, शैम्पू के और आमले रेटे सिक्का की क्या ही बात है इनकी। अब मैं आपको सीरम अप्लाई करके बताऊंगी, लेडीज शॉप पीके की तरफ से शिज़ा ऑर्गेनिक्स का ये सीरम है, बहुत ज़बरदस्त, इससे भी आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आपने क्या करना है, जब नहा लेंगे तो हल्के हल्के बाल जब गीले होंगे आपके, हाफ ड्राई हो जाएंगे हाफ गीले होंगे, आपने क्या करना है, आपने मिड पार्टीशन करनी है अपने बालों की, उसके बाद आप लोगों ने अपने हाथ पे
टू फोर ड्रॉप्स लेने हैं, ठीक है। उसको हल्का सा अपने हाथों पे डैप डैप करना है और अपने बालों पे प्रॉपरली लगाना है, यहाँ से बालों के दरमियान से नीचे तक प्रॉपरली लगा लेना। अच्छा, इस सीरम से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप लोगों के बालों पे कोई हेयर फॉल नहीं होगा, आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और टैंगल्स निकालने में भी आसानी होगी। अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा टैंगल्स पड़ जाते हैं, अक्सर लोगों के कर्ली बाल होते हैं, वेवी बाल होते हैं, उनको बहुत ज्यादा टैंगल्स पड़ जाते हैं, तो आप लोग ये सीरम अप्लाई करेंगे आपको कॉम करने में भी आसानी होगी, टैंगल्स भी नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे सीरम मैं दोबारा अप्लाई करके बता रही हूँ, अगर आप नहाने के फौरन बाद भूल जाते हैं अप्लाई करना, कोई इशू नहीं, जब आपके बाल ड्राई हो जाते हैं आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपने स्कैल्प पे कर सकते हैं, अपने नीचे बालों के एंड्स पे लगा सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को फील हो आपके बाल ज़्यादा ड्राई होते हैं या फ्रिजी हैं ज़्यादा, वहाँ पर आप लगाएँ। अगर आपने सीरम सिर्फ अप्लाई करना है ना, तो आप लोगों ने हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करना है, और अगर आपको हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू है तो आप लोगों ने इसको ऑयल में मिक्स करके सीरम को अप्लाई करना है। 8 to 10 drops आपको ऑयल के चाहिए होंगे, उसके साथ आपने सीरम मिक्स करके लगाना। ऑयल और सीरम का कॉम्बिनेशन आप रोज़ाना भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे एक टिप दे दूँ, जब भी आपने बाल स्ट्रेट करने हैं ना, आपने लाजमी सीरम अप्लाई करना है, डायरेक्ट हीट आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, तो सीरम अप्लाई करके स्ट्रेटनिंग करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे, आपके बाल कम डैमेज होंगे। अच्छा, ये सीरम आपके बालों को ग्रीसी नहीं करेगा, आपके बालों में अगर स्मेल पड़ जाती है तो वो भी दूर कर देगा, क्योंकि इसमें परफ्यूम की फ्रेग्रेंस है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा है, और अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया है तो लेडीज शॉपी के से आप लोग ये तीनों चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, इनके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। आप सिरम, ऑयल और शैम्पू को ऑर्डर करें, अभी फ़ायदा उठाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके क्लिक करके आप लोग इनको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, इनका टिकटॉक पे भी पेज है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है, मैंने पर्सनली खुद यूज़ किया है, आपके सामने है इसके रिजल्ट। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ब्यूटी टिप न्यू रेमेडी के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।